Welcome in MS Learning Point 2020. Exercise 8B question number 1. Determine whether they are in proportion or not. आपको चेक करना है क्या ये प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है. नाउ हियर यू कैन सी दैट देयर आर फोर फ्रैक्शंस 1/2, 1/4, 1/7, 1/14. हम यहाँ पर इन फोर फ्रैक्शन को एक नाम देंगे. जैसे हमने सेकेंड और थर्ड फ्रैक्शन को नाम दिया है मीन्स, इसको हम मीन्स बोलेंगे. और जो फर्स्ट और लास्ट फ्रैक्शन है इसको हम बोलेंगे एक्सट्रीम्स. अब देखिए हम इसको चेक कैसे करेंगे. सो लोकेट द सॉल्यूशन केयरफुली. हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, पहले हम एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट निकाल लेते हैं. 1/2 × 1/14 इज इक्वल टू हमारा निकल कर आया 1/28. नाउ मूविंग ऑन, अब हम प्रोडक्ट निकालेंगे मीन्स का, यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज इक्वल टू 1/4 × 1/7 इज इक्वल टू 1/20. नाउ हियर यू कैन सी दैट बोथ प्रोडक्ट्स आर इक्वल टू ईच अदर. 1/28 is equal to 1/28. So here we can write 1/28 is equal to 1/28. So they are in proportion. अगर ये हमारे नहीं आते equal तो हम लिखते they are not in proportion. Now moving on the third part. 2, 3/1 / 2, 3, 4/1/2. Now here you know very well that second and third term is known as means, whereas first and last term is known as extremes. Now look at the solution carefully. Solution, first of all we will find out the product of extremes. वो हमारा क्या होगा, 2 × 4/1/2. अब हम इस कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में, तो हमारा हो जाएगा 9/2, 2 से 2 कट, यहाँ पर आंसर आएगा 9. ये प्रोडक्ट है हमारा एक्सट्रीम टर्म का. नाउ मूविंग ऑन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. अब देखिए मीन्स में निकालने के लिए हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 1/3/1/2 × 3. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट, एंड आफ्टर कन्वर्टिंग हियर वी विल गेट 7/2 × 3, एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग हियर वी विल गेट 21/2. अब हम इसको चेंज कर देते हैं तो हमारा हो जाएगा 10.5. ये हमारा आ गया प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. नाउ हियर यू कैन सी दैट 9 इज नॉट इक्वल टू 10.5. सो हियर वी विल राइट सिंस 9 इज नॉट इक्वल टू. देखिए अगर इक्वल टू है तो ठीक है, नहीं है तो इसके इक्वल टू को हम कट कर देते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉट इक्वल टू 10.5. ये इसके इक्वल नहीं है. सो दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन. सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको खुद करना है. कॉन्सेप्ट यही है, बहुत ध्यान से करिएगा. देखिए आपको सबसे पहले प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स निकालना है, फिर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स निकालना है. अगर दोनों इक्वल आते हैं तो आप लिख देना दे आर इन प्रोपोर्शन, अगर नहीं आते तो आप लिख देना दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन. नंबर वन सेकंड क्वेश्चन, दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द गिवन प्रोपोर्शन. यानी प्रोपोर्शन दे रखा है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है. सो लुक एट द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली. देखिए जब प्रोपोर्शन में है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. और आपको एक्सट्रीम्स और मीन्स मैंने आपने बता दिया है कि जो फर्स्ट और लास्ट होता है वो एक्सट्रीम कहलाता है. यानी यहाँ पर हम लिखेंगे 0.9 × 3 इज इक्वल टू, जो हमारे सेकेंड और थर्ड नंबर पर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं मीन्स, यानी 0.6 × x. अब देखिए जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हम लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 0.9 × 3/0.6. पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो जाएगा, उसके बाद देखिए 3 × 2 तो हमारा आंसर आ जाएगा 9/2. जब हम इसे डेसिमल में निकालेंगे तो हमारा आंसर निकल के आएगा 4.5. इट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स. नाउ लुक एट द फोर्थ पार्ट, दैट इज 1/15 × 1/4 प्रोपोर्शन एक्स इज टू 1/5. हमें वही करना है, सॉल्यूशन हमें लिखना है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. एंड यू नो वेरी वेल दे आर द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, दैट इज 1/15 × 1/5 इज इक्वल टू 1/4 × 1/x. सेकेंड एंड थर्ड हमारा होता है मीन. अब देखिए हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 1/75 = x/4. जब हम इस 4 को ट्रांसपोज करेंगे तो इसके साथ मल्टीप्लाई में जाएगा, तो हियर वी कैन राइट 1/75 × 4 = x. यानी हो जाएगा 4/75 = x. इसको हम ये भी लिख सकते हैं और एक्स इक्वल टू 4/75. नंबर वन फिफ्थ पार्ट, डेट इज 16 × x प्रोपोर्शन एक्स इज टू 25. अब देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारे क्या है, 16 × 25
इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। देखिए सेकेंड एंड थर्ड पर x से वेरिएबल है तो हमने लिख दिया x इंटू एक्स। आज हम x और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो हियर वी विल गेट 16 इंटू 25 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब एक्स स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, यानी 16 इंटू 25 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए हमें स्क्वायर रूट को जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इसके प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 16 के हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो हमारा निकलेगा 2 8 जा 16 दैन 2 4 जा 2 2 जा दैन 2 1 जा। और यहाँ 25 के भी निकाल लेते हैं 5 5 जा दैन 5 1 जा। तो हमारे पास देखिए पेयर हम करेंगे स्क्वायर रूट के हिसाब से 1 2 यहाँ पर भी 1 तो यहाँ पर हमारा निकलेगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू एक्स। एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 20 इज इक्वल टू एक्स और एक्स इज इक्वल टू 20। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सेकेंड एंड थर्ड जो मैंने नहीं दिखलाया आपको वीडियो में करके वो आपको खुद करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लिखना है, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लिखना है, जो वेरिएबल मिसिंग है उसकी वैल्यू आप ट्रांसपोज करके निकाल लेंगे। यानी सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आपको खुद करना है। देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, बस बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको उसको फॉलो करना है। अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखी तो इसके पार्ट आप खुद कर सकते हैं और मैं चाहूँगा कि आप इनको खुद ही करें, किसी की हेल्प ना लें। अगर आपसे नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो और देख लें फिर आप खुद करने की कोशिश करें। सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो।